प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाले भारतीय मूल के प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस मुलाकात के बाद मोदी ने ट्वीट किया, नोबेल सम्मानित अभिजीत बनर्जी से शानदार मुलाकात, मानव सशक्तिकरण के प्रति उनका जोश साफ दिखता है। हमारे बीच कई मुद्दों पर काफी स्वस्थ और लंबी बातचीत हुई। भारत उनकी उपलब्धियों से गौरवान्वित है, भविष्य के लिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। वहीं पीएम मोदी से मिलने के बाद बनर्जी ने प्रधानमंत्री की तारीफ की और कहा कि उन्होंने मुझे भारत के बारे में अपने सोचने के तरीके से अवगत कराया। यह कुछ अलग था क्योंकि एक आदमी पॉलिसी और उसके पीछे की सोच के बारे में बताता है। उन्होंने ये भी बताया कि शासन व्यवस्था को कैसे देखते हैं और बातचीत के दौरान उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में बदलाव लाने की बात भी कही। I mean, it's not the kind of meeting that has a recommendation, but it was a meeting which was very fruitful. I thought I learned a lot, and I think it was starting a conversation with the Niti Aayog in particular, and with ICMR on what do you do about this world where, you know, there's enormous amount of kind of healthcare that's provided outside the formal healthcare system. प्रधानमंत्री ने इससे पहले नोबेल के लिए अभिजीत के नाम का ऐलान होने के बाद उन्हें ट्वीट कर बधाई दी थी। मोदी ने कहा था कि अभिजीत बनर्जी ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अहम काम किया है। वैसे पीएम मोदी और बनर्जी की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें वामपंथी विचारधारा की तरफ झुकाव रखने वाला बताया था। गोयल ने कहा था कि बनर्जी ने न्याय योजना के बड़े गुण गाए, लेकिन देश की जनता ने उनकी सोच को पूरी तरह खारिज कर दिया। इसके बाद बनर्जी ने एक टीवी चैनल से कहा था कि गोयल मेरे प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठा रहे हैं। भारत में जन्मे अभिजीत बनर्जी मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में प्रोफेसर हैं। उनके साथ MIT में ही प्रोफेसर उनकी पत्नी एस्थेर डुफ्लो और हावर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर माइकल क्रेमर को भी नोबेल सम्मान के लिए चुना गया। यह 21 साल बाद है जब किसी भारतवंशी को अर्थशास्त्र के नोबेल के लिए चुना गया। अभिजीत से पहले हावर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में यह सम्मान दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट।